फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा अनबॉक्सिंग। जैसे कि आपको पता है, हम अपने चैनल्स पे हर प्रोडक्ट का रिव्यू देते हैं, अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसे यूज होने वाला है, उसका रिव्यू आपको देते हैं कि वो कैसा है, कैसे फीचर्स हैं उसमें, कैसे यूज होगा। तो आज भी हम आपके लिए कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट लेके आए हैं जो हर घर की नीड होती है, हर किचन की नीड होती है, बहुत यूजफुल आइटम है। तो आज हम उसको अनबॉक्स करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको आती रहे। तो चलिए अब अपने प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं कि वो क्या होने वाला, कैसा है, अनबॉक्स करके देखते हैं। तो गाइज, हम अपने प्रोडक्ट की तरफ आ गए हैं जो हम अनबॉक्स करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हर घर की, हर किचन की नीड है, तो इस तरीके का ये प्रोडक्ट है। ये है इलेक्ट्रिक चॉपर, रिचार्जेबल चॉपर है ये, एक तरह से ये देख रहे हैं जैसे आप, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक गार्लिंग मशीन। गार्लिक हो, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, ये सब कुछ चॉप कर देगा, सारे वेजिटेबल्स इसमें चॉप हो जाएंगे ओनली सिर्फ वन क्लिक पे। रिफ्यूज टू पुल, जस्ट क्लिक। पहले जो हमारे पास चॉपर वगैरह आते थे, जैसे डोरी वाले होते थे, जैसे हमें खुद उसको पुल करना पड़ता था, तो उसको हम वैसे ही चॉप करते थे। अब ये जो हमारे पास आया है, ये रिचार्जेबल है, सिर्फ इसको वन क्लिक में आप सारी वेजिटेबल्स चॉप कर सकते हो, टमाटर हो, प्याज हो, लहसुन हो, अदरक हो, कुछ भी हो, एक क्लिक में आप इसको चॉप कर सकते हो सारे वेजिटेबल्स को। तो आज हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं ये कैसा है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो अब चलिए देखते हैं। ये देखिए, इस तरीके का है, इसके स्पेसिफिकेशन है 250 ml। ये हमारे पास जो है ये 250 ml वाला है और इसके सारे स्पेसिफिकेशन दिए हैं। जैसे ये देखिए इस तरीके के ये सारे वेजिटेबल्स चॉप हो जाएंगे, हर तरीके का दिया हुआ है, स्लाइस्ड, गार्लिक, इटालियन सैलेड, तो सारे तरीके का आपका इसमें हो जाएगा। इसमें आपको ये सारी एक्सेसरीज भी मिली हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था वायरलेस है, पोर्टेबल वायरलेस है। ये देखिए, पूरा इसका जो फूड प्रोसीजर है वो पूरा वायरलेस है, सिर्फ आपको चार्ज करना है और चार्ज करके आप रख सकते हो, कहीं पे भी आप इसको चॉप कर सकते हो। प्रोडक्ट नंबर आपको दे रखे हैं यहाँ पे, रेट कैपेसिटी दे, जैसे मैंने आपको बताया था 100 और 250, हमारे पास है 250 ml। और ये इसका बैटरी वोल्टेज सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, सारी कैपेसिटी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, कितने वॉट का है, क्या है। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो अब हम देखते हैं अपने प्रोडक्ट को अनबॉक्स करके। हमें इसके अंदर एक चार्जिंग केबल मिली है जिसे हम इसको चार्ज करेंगे। ये देखिए, यहाँ से इसका चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए, केबल हमें मिली है, इसके साथ आप कोई भी अडैप्टर में इसको चार्ज कर सकते हो। आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप इसको वॉश करोगे तो आप ध्यान से करना कि इसमें पानी ना जाए, तो ये खराब ना हो। जैसे मैंने आपको बताया था, जस्ट क्लिक, सिर्फ एक क्लिक में आपके सारे वेजिटेबल्स चॉप हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके का है ये। हमें इसके साथ कप और इसके ब्लेड मिले हैं और हमें इसके साथ एक मैनुअल भी मिला है जिसे आप देख के कैसे यूज करना है तो आप कर सकते हो। ये इसका पूरा यूजर मैनुअल है, इंस्ट्रक्ट कर रखा है आपको। और ये इस तरीके का पूरा है, ब्लेड भी हमने आपको बताया था, ब्लेड भी शार्प दिए हुए हैं। सिर्फ 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड्स लगेंगे आपको इसमें सारी वेजिटेबल्स चॉप करने में। पहले हमें डोरी से चॉप करना पड़ता था, नहीं, अब सिर्फ हमें सिर्फ एक क्लिक पे। रिचार्जेबल है, कहीं पे भी आप रख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया इसका, तो अब हम जो चॉप करेंगे, हमारे पास प्याज है और एक हमारे पास टमाटर है, तो अब हम इसको चॉप करके देखेंगे कि ये चॉप करके कैसे हो जाएगा। अब हमने इसको यहाँ से खोल लिया, अब हम इसमें प्याज अपना कट करके डाल देंगे। मैं प्याज काट के डाल दिया है, अब हम इसको चॉप करके देखेंगे कि कितनी देर में और कैसे ये जो प्याज है वो चॉप हो जाएंगे। जो हमारे प्याज है, देखिए सारे, देखिए चॉप हो गए हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको ज्यादा बारीक करने हैं, कम बारीक करने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसका थोड़ा सा और बारीक कर लेंगे। ये देखिए और भी ज्यादा बारीक हो गए हैं, ना मुझे कोई डोरी का इस्तेमाल करना पड़ा ना कुछ। देखो हमारे अनियन जो है यहाँ पे चॉप हो गए, अब देख रहे हैं कितने बारीक तरीके से हुए हैं। देखते हैं टमाटो को करके इसका रिजल्ट क्या आता है। हमने प्याज का रिजल्ट तो देख लिया है, अब हम देखते हैं टमाटर का क्या रिजल्ट आता है। अब हमने टमाटर भी डाल दिए इसमें। टमाटर भी देखो कितने अच्छे से बारीक हो गए हैं,
तो ये तो चटनी के लिए भी काम आ जाएगा, अगर आपको चटनी भी बनानी है तो आप चटनी के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। टमाटर भी पूरे अच्छे से एकदम बारीकी से चॉप हो गए हैं, प्याज भी टमाटर भी। तो अब हम सब्जी बनाने के लिए हमारे पास पूरा देखिए मटेरियल पूरा तैयार हो गया, सिर्फ 2 सेकंड्स में हमारे पास, और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, हाथ से ना डोरी से किसी से भी हमें कुछ नहीं करना पड़ा, 2 मिनट में हमारा सारा काम हो गया। मैंने सारा कुछ इसमें बता दिया है, कैसे चॉप होगा, कैसे होगा, कैसे इसको यूज करना है, यूजर मैनुअल में भी सब कुछ बताया गया है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। फाइल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां पे चेक कर सकते हो, वहां पे सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, सारा आपको प्रोसीजर वहां पे पता चल जाएगा, कैसे आपको मंगवाना है, कैसे बाय करना है, सब कुछ वहां पे आपको पता चल जाएगा। बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है आपके घर के लिए भी, किसी को मंगाना हो तो सीधा आप हमारी वेबसाइट पर जाके इसे मंगा सकते हैं, मैंने नीचे लिंक डाल दिया है, सीधा आप वहां से इसको बाय कर सकते हो। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, कितना यूजफुल है आपके लिए और कितना आपका ये काम आ सकता है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।